मित्रों नमस्कार। यह वीडियो भी शिक्षकों के लिए एवं अभिभावकों के लिए बनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों में से कई लोगों का मेरे से एक प्रश्न पूछा गया कि सर एक बच्चे को शुरू कहाँ से करना चाहिए, पहले क्या सिखाना चाहिए। मेरे अनुसार इसका जवाब यह है, सबसे पहले आप इंग्लिश के स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट सिखाइए, क्योंकि बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं होता है। बच्चे अगर उनको रिगार्ड पुरस्कार मिलेगा तो बहुत तेज़ी से सीखते हैं। आपने देखा ये अल्फ़ाबेट जो थे कितने आसानी से सिर्फ स्मॉल लाइन बिग लाइन के द्वारा ही कंप्लीट कराए गए हैं। इसके पश्चात बच्चों को हिंदी वर्णमाला सर्कल वृत्त के थ्रू, हिंदी वर्णमाला में वास्तव में देखा जाए तो दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इंग्लिश वर्णमाला में हमने बताया था एक छोटी लाइन खींचिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, क्या हो गया ए। एक बड़ी लाइन खींचिए, एक छोटी लाइन खींचिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, क्या हो गया बी। ऐसे ही अगर हिंदी में चल रहे हैं तो हिंदी में क्या होगा, यहाँ पे देखिए लाइन ही है, इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, इसको यहाँ से, मतलब क्या है, एक सर्कल यहाँ से लिए और यहाँ से हाफ सर्कल। अब कुछ लोगों का विचार आया, सर हम लोग तो पहले लाइन सिखाते हैं, स्टैंडिंग लाइन सिखाते हैं, ये लाइन सिखाते हैं, फिर ये लाइन सिखाते हैं, फिर ये लाइन सर्कल सिखाते हैं, फिर कर्व वगैरह वगैरह वगैरह। बुराई नहीं है, लेकिन क्या है, इसमें डायरेक्ट बच्चे को रिगार्ड पुरस्कार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बच्चा हो सकता है उसकी लर्निंग नहीं हो। जबकि यहाँ पे आपने दो लाइन से ए बना दिया, दो लाइन से बी बना दिया और इस तरह सर्कल से मिला के, तो बच्चे के दिमाग में ये सर्कल आ जाएगा। यहाँ पे एक बात हमें आपको जानना जरूरी है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी हिंदी जो है होती है अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट क्या है हमें आपको पहले ये समझना पड़ेगा। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ चलते हैं। अभी देखिए एक छोटा सा बच्चा है, बाहर रोड पे आपके साथ जा रहा है, उसको एक जानवर नज़र आया, वो पूछेगा पापा मम्मी ये क्या है, आपने क्या बोला गाय, मान लीजिए वो गाय थी, आपने उसको बता दिया दिस इज अ काउ। थोड़ी दूर चलने के बाद बच्चे को भैंस दिखा, देखना वो तत्काल रिएक्शन करेगा पापा पापा देखो गाय, जबकि वो है क्या भैंस। फिर इसके बाद आपने क्या कहा, नहीं बेटा ये गाय नहीं ये भैंस है। अब देखिए बच्चे के कॉन्सेप्ट के अंदर वास्तव में क्या हुआ, कंट्राडिक्शन होने लगा कि भाई उसके पास भी दो हाथ सॉरी चार पैर थे, पूंछ था, लेकिन वो गाय थी और ये भैंस हो गई। फिर आपने दोनों के बीच में डिफरेंस बताया। थोड़ी देर बच्चा और आगे गया, सपोज कर लीजिए एक बकरी मिली, अब बच्चा क्या बोलेगा, गाय बोलेगा या भैंस बोलेगा या बकरी, क्योंकि बकरी शब्द गोट शब्द वो जानता नहीं है, तो निश्चित है कि ये दो में से कोई एक चीज बताएगा। फिर आप क्लियर करोगे, जिस दिन अगर गाय सामने आई, बच्चे ने बोल दिया पापा देखो ये गाय है, पापा देखो ये भैंस है, पापा देखो ये बकरी है, ये समझ लीजिए कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसीलिए आप लोग जब अल्फाबेट पढ़ा रहे हो तो ए बी सी डी क ख ग घ इनके आप ब्लॉक्स रखिए, बच्चों को तुरंत दिखाइए दिस वन दिस, ये क्या है व्हाट इज दिस। अगर बच्चा उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसका मतलब बच्चे की लर्निंग सही दिशा में जा रही है। बच्चा देखने में शांत होता है, लेकिन आप एक टीचर का अनुकरण सदैव करता रहता है। बच्चा मैक्सिमम जो सीखता है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, लर्निंग बाय इमिटेशन। इसका एक सीधा एग्जांपल और मैं देता हूँ। सपोज कर लीजिए एक महिला बाहर से आपके घर में आई है जो साड़ी पहने हुई है, आप छोटे बच्चे को देखिए, जो भी साड़ी पहना हुआ होगा उसको मम्मी
या जो घर में आंटी बुलाते होगे उनको वही बोलेगा। वहीं एक सलवार सूट पहने हुए छोटी लड़की आ गई, क्या उनको ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि आपने किसी को बुआ, किसी को संबोधन, जो भी आपने रिश्तों का दिया है, बच्चे के दिमाग में ये डिफरेंस चलता रहता है कि इनको बुआ क्यों बोला गया, इनको मौसी क्यों बोला गया, इनको दादी क्यों बोला जा रहा है। तो उसी के अनुसार बच्चा डिफरेंस करता रहता है, बच्चे की लर्निंग चलती रहती है, बच्चे की लर्निंग बहुत तेज होती है। तो यहाँ पे हम इसीलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग इंग्लिश का स्मॉल लेटर सिखाइए, उसके बाद क ख ग सिखाइए, इसके बाद फिर आप लोग गिनती पे आइए, काउंटिंग पे आइए। काउंटिंग सिखाना कितना ईजी है इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा है आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। धन्यवाद।